हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक या डिसलाइक के माध्यम से इस वीडियो पे हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जो कि आता है यूनिट नंबर 3 से। ओके, जिसका टाइटल है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लास 6 की एनसीईआरटी शुरू है। ओके, फर्स्ट 2 यूनिट हमने देख लिए हैं। अगर आपने पहले 2 यूनिट्स को नहीं देखा है, मतलब जो पहले 4 वीडियो है अगर उन्हें नहीं देखा है, तो जाइए प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, पहले उन्हें देख लीजिए। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 की भी दो चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। यूनिट नंबर 3 का लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 है, उसे अब हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने प्रीवियस इसमें बात की थी लोकल गवर्नमेंट की, ओके, पंचायती राज की। तो पंचायती राज में हमने देखा था कि किस तरीके से 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट 3 लेवल पे काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद के माध्यम से, ब्लॉक में पंचायत समिति के माध्यम से, और विलेज में ग्राम पंचायत के माध्यम से। ठीक है, पर उन शहरों का क्या या उन सिटीज़ का क्या जो काफ़ी बड़ी होती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी जिन्हें कहा जाता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की अब हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो देखिए अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में पर्टिकुलरली ये चैप्टर बात करता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो हम भी सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ही बात करेंगे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन शहरों में होती है जिन शहरों की जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। ओके, ये एक लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, देखिए शहरों की जो जनसंख्या है, मतलब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, और शहरीकरण मतलब अर्बनाइजेशन के वजह से भी शहर काफ़ी एक्सपांड हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो चैलेंजेस है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करना और प्रॉपरली रन करना, हाउसिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये गवर्नमेंट के सामने टैक्स को कलेक्ट करना, ये गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इस लेवल पे अवेलेबल, उसे कहा जाता है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की ही हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसका एक अंग है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि होती है उन शहर में जिनकी जनसंख्या 1 मिलियन से ज़्यादा होती है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इन्हें एक संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त है। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जानते हैं कुछ बातें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अंग्रेज़ी में तो हम इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बुलाएंगे, दिल्ली में इसे नगर निगम, उत्तराखंड में भी नगर निगम, मतलब दिल्ली, राजस्थान, बिहार, हरियाणा में इसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, गुजरात में इसे महानगर पालिका के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अदर स्टेट में किस नाम से बुलाया जाता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों देखिए, जिन एरिया में ऑपरेट करती है उस एरिया को कहा जाता है म्यूनसिपल एरिया। ठीक है, अब ये किस तरीके से इसको, मतलब कंपोजिशन किस तरीके से इसका किया जाता है, या किस तरीके से इसे इसकी बॉडी इलेक्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो म्यूनसिपल एरिया होता है, इसे डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिसे वार्ड के नाम से हम बुलाते हैं। ठीक है, हर वार्ड में से हमें एक सीट इलेक्ट करनी होती है, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाती है। ओके, वार्ड कमेटी, इलेक्शन की, इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे का यूज़ होता है। ठीक है, और जो टर्म होती है वो होती है 5 वर्ष। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 ईयर के का जो हर कोई व्यक्ति है जो उस एरिया से बिलोंग करता है, जिस एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, और देखिए कितने वार्ड होंगे एक म्यूनसिपल एरिया में, कितने वार्ड होंगे ये कैसा डिसाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये डिसाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उस सिटी में की पॉपुलेशन कितनी है, और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है SC ST और बैकवर्ड क्लासेस और महिला वर्ग को। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है वो होता है मेयर, ये सेरेमोनियल हेड होता है। ठीक है, असली मतलब एग्जीक्यूटिव का ये सेरेमोनियल हेड होता है, असली पावर हाथ में होती है म्यूनसिपल कमिश्नर के। ठीक है, जो कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव जिन्हें कहते हैं, उनका पार्ट होता है म्यूनसिपल कमिश्नर। ओके गाइस, अब है दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, जो मेयर होता है इसे फर्स्ट सिटीज़न का दर्जा दिया जाता है,
उस सिटी के, ठीक है। जैसे कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है उसे उस विलेज का फर्स्ट सिटीजन के तौर पे माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए मेयर और डिप्टी मेयर का जो टेन्योर होता है वो 2.5 ईयर का होता है, ठीक है। और देखिए जितने एग्जीक्यूटिव पावर्स मतलब जितने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उन्हें मॉनिटर करना, ठीक है, वो प्रॉपर से अपने कामों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम जो कि प्लानिंग से और डेवलपमेंट से रिलेटेड है शहर के, ये करते हैं मेयर साहब, और उनके साथ होते हैं उनके काउंसलर, ठीक है। मतलब काउंसलर वो वार्ड मेंबर होते हैं जो जीत के आते हैं, इन वार्ड मेंबर में से ही एक मेयर बनता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो देखिए हमने पहले बात की क्या 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल इन्हें स्टेटस प्राप्त है इस संस्था को, ठीक है। तो दोस्तों जो 12th स्केड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जितनी लिस्ट आती है उस पर काम करने का काम इनका होता है, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। और देखिए उसमें जितनी उस लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उसके रिलेटेड स्कीम्स को डिज़ाइन करना, उसके रिलेटेड स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना इत्यादि काम ये करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो टाउन प्लानिंग, ठीक है, लैंड का किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ हो रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, रोड और ब्रिजेस की, मतलब रोड बनाना ब्रिजेस बनाना, ठीक है, उसके साथ साथ वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई जिसका जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है वो, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, सैनिटेशन कैसा है शहर का, सॉलिड वेस्ट किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, फायर सर्विसेज अगर कहीं आग लग जाती है तो, ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब प्रोटेक्ट करना इन्वायरमेंट को, ओके, और प्रमोट करना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ देखिए सेफगार्ड करता है उन वीकर सेक्शन का जो इंटरेस्ट, सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, ठीक है, स्लम इम्प्रूवमेंट और अपग्रेडेशन। देखिए स्लम जो है एक काफ़ी बड़ी समस्या है और इसका सॉल्यूशन का मतलब इस समस्या को सॉल्व करना, मतलब जो लोग पुअर सैनिटेशन कंडीशन में रह रहे हैं उन्हें किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये भी काम करती है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके साथ साथ अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ओके गाइस, काफ़ी कुछ है जैसे कि पार्क बनाना, गार्डन, प्लेग्राउंड, प्रमोट करना अपने कल्चरल, एजुकेशनल और एस्थेटिक एस्पेक्ट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए स्ट्रीट लाइटिंग, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, आप पढ़ सकते हो। अब ये सब ये करते हैं इसके लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है, फंड कैसा ये इकट्ठा करते हैं, तो दोस्तों उसके लिए देखिए वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, मार्केट टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, व्हीकल, ठीक है, कमर्शियल ओनली, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों पर ये अपना से टैक्स कलेक्ट करके ये फंड को राइज करते हैं, जिस फंड का यूटिलाइजेशन करके ये अपने कामों को कंप्लीट करते हैं, ओके। तो धन्यवाद इस लेसन को देखने के लिए, अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले लेसन में। मेरी थोड़ी आवाज़ ख़राब है, मतलब गला ख़राब है, उसके लिए अगर आपको सुनने में कोई प्रॉब्लम हुई है इसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने में तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।